किसी भी निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखना पड़ता है कि कुछ रुकावटें भी होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपने जो प्लान दिया बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर मैं एक देहाती पस मंज़र को सामने रख कर उसको देखूँ ना, जो रुकावट हमें सबसे पहले पेश आएगी वो है हमारे देहात के अंदर रहने वाले लोगों का माइंड सेट। आपने कहा कि बशीर हुसैन माइंड सेट अपना बदलेगा, ठीक है, लेकिन हमारे जो लोग देहात के अंदर रह रहे हैं वो गरीब आ रही हैं, वो लोग बटेरों की ज़मीनें काश्त करते हैं सारा साल, उस ज़मीनों से पैदा होने वाला अनाज खाते हैं, उन लोगों की दी हुई ज़मीनों के ऊपर बैठकर अपने मकान बनाते हैं। तो जब ये सूरत हाल हो तो किस तरह से हम मतलब आगे जा सकेंगे या अपनी पार्टी को किस तरह से ग्रो कर सकेंगे? ये जो आपको खैर मोहम्मद लगारी बिल्कुल खास उठाए ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि बहुत दूर बहुत बैकवर्ड एरिया यहाँ पे हमने जाके सबसे पहले एक लोकल बटेरे से बात की। उनको हमने कहा चौधरी साहब ये हम काम करना चाह रहे हैं और अगर आपका भी कार्य खैर इसके अंदर आ जाए तो इसमें बड़ी बरकत पड़ेगी। अच्छा बंदा था, सारे बटेरे एक जैसे नहीं, अच्छा। तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की वहाँ पर। जब वो विलेज बन गया और चलना शुरू हो गया तो वहाँ पे एक दिन किसी हिंदू औरत के ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया तो चौधरी साहब ने किसी ने जाके चौधरी साहब को की कंप्लेन की। चौधरी साहब वहाँ पे आ गए, उन्होंने कहा इसको यहाँ से अभी बाहर निकाल, खुद बजाते खुद वहाँ पे आ गए मीरपुर दास के बड़ा नाम बढ़ेरा, उसने कहा इसको अभी बाहर निकाल। तो क्योंकि ये विलेज ये ईंटों वाले घर नहीं है, ये विलेज है, ये कम्युनिटी है। हमने विलेज नहीं बनाया, हमने कम्युनिटी बनाई थी। टेंट देते थे ना, उनको ट्रेन किया था कि किस तरह से इकट्ठे रहे। वो सारे विलेज वाले इकट्ठे हुए, वो बढ़ेरा जो है वो तो ऑर्डर दे के चला गया, वो उसके घर गए, उसको जाके उन्होंने कहा कि हमारी बात सुने। पूरे 10-12 बंदे जो उनके हेड थे उन्होंने जाके पूरा उसको कन्विंस किया और उसको कहा कि सर ये नहीं हो सकता, हम इसको बाद में बात करें। तो देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं यही को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोहम्मद बशीर जब बाहर जाता है तो टॉप पे पहुँच जाता है। यहाँ पे जब हमने सिस्टम दिया तो उसने डिलीवर करना शुरू कर दिया। इशू यह है कि आप सिस्टम एक तरह बेचारे को देखे तो देखे ना, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो अभी तक हम देख रहे हैं उनके सिस्टम ही नहीं मिलता, तो वो तो जहनी पस्ती का शिकार। एक और बात सुन लें कि जो मुजफ्फरगढ़ में बनाया ये जमशेद दस्ती साहब के हल्के में, तो ये वो लोग यकीन करें इनके मुंह में ज़माने नहीं होती। तो वहाँ पे वो सोलर के हमने कुछ चीज़ें लगाई तो वो खास कामयाब नहीं हुई, तो इन्होंने हम पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप वादा लगा दें। तो हमने कहा यार इतना कुछ आपके लिए किया है, अब आप ऊपर से हमारे ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दें, वो जुलूस निकाल दिया हमारे पास। तो क्या उन्होंने किया, वो इकट्ठे हो गए तो जमशेद दस्ती के पास चले। जमशेद दस्ती ने कहा कि मैं यहाँ पे आपकी, अच्छा नहीं बिजली नहीं सुई गैस थी, मैं सुई गैस ले जाता हूँ, एक शर्त है इसका नाम आप जमशेदाबाद करते। उन्होंने कहा जी कर देते, मसले को मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। तो मेरे साथ जो साहब इन्वॉल्व थे उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा हाय साहब आपको याद है ये बोलो मोहम्मद बशीर के मुँह में जबान नहीं थी, आप चाहते क्या थे, इसका आपका करने का मकसद क्या था, आप उसकी जहनी गुलामी खत्म करना चाहते। आज उसके मुँह में जबान आ गई, आज उसको अपने हक के लिए लड़ना आ गया तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है। तो बात तो सही है, देखिए मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल्स दिए, उसको आज़ाद करने का तरीका ही है, उसको सिस्टम प्रोवाइड करेगा, उसको डिलीवर करेगा। अल्लाह ताला ने इस काम के अंदर स्पेशल इनायत की है कि हमेशा डिलीवर करेगी इंशाल्लाह ताला।